हेलो दोस्तों, ये मेरी पत्नी है। आज मैंने सोचा आप सभी को इनसे मिलवा देता हूँ। नमस्ते। आप सभी की भाभी जी है। और दोस्तों, बहुत दिनों से ना मुझसे ये बोल रही थी कि मुझे व्लॉगिंग करना सिखा दो, कैसे व्लॉग वीडियो बनाए जाते हैं ये सिखा दो, कैसे व्लॉग के थंबनेल बनाए जाते हैं ये सिखा दो, कैसे वीडियो एडिट की जाती है ये सिखा दो। तो मैंने सोचा भैया इनको तो सिखाना ही पड़ेगा, तो भैया इसी बहाने आपको भी सिखा देते हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि व्लॉगिंग की वीडियो बनाना चाहते होंगे, उनको वीडियो बनाना नहीं आता, उनको थंबनेल बनाना नहीं आता, कैसे व्लॉग के थंबनेल बनाए जाते हैं, कैसे वीडियो एडिट की जाती है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपकी भाभी जी को सिखाने वाला हूँ, और भैया इन्हीं के साथ आप भी सीखते चलिए, ठीक है। तो ये बताओ, तुमको कैमरा चलाना आता है? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता है। ब्लॉगिंग में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी है ना, इन लोगों को अगर पीछे करना है तो थोड़ा कैमरा चलाना आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आता होगा। हाँ, जरा चला के दिखाओ कैसे चलाती हो। जैसे कि ऐसे पकड़ ली। हाँ, करके हेलो दोस्तों। अरे ऐसे नहीं करेगा भैया, देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से ब्लॉग बनेगा क्या, आप लोग बताइए। इधर देखो ध्यान से, पहली चीज तो इस तरीके से जब आप कैमरे को रखते हैं तो आपका शॉर्ट वीडियो बनता है, और जब आपको ब्लॉग बनाना है तो ऐसे कैमरे को रखा जाता है, ऐसे। अच्छा, बात समझ गई? ठीक है, ठीक। और इतना ही नहीं, इसके बाद इधर आइए, यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना है। तुम इधर आओ, तुम हो तो सीखो, मैं तो तुम ही न हो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो देखिए 720p दिख रहा है, यहाँ पर 30p दिख रहा है, 30fps होता है। तो यहाँ पर आपको इसको 60, अगर आपके मोबाइल में 60fps का ऑप्शन है तो आपको 60fps पे ही क्लिक करके रखना है, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ना छोटा सा 1x 2x, तो हो सकता है आपके मोबाइल में 0.5x भी हो। तो अगर आपके मोबाइल में 0.5x है तो आप लोग उसको 0.5x पर ही रखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर 1x पे रख दीजिएगा, क्योंकि 0.5x पे जब आप वीडियो बनाते हैं तो काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेता है आपका वीडियो, समझ गई। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा मोबाइल दिला देंगे उसमें रहेगा ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अब देखो कैमरा पकड़ना कैसे है, ऐसे पकड़ना, ठीक है। देखो बात समझना, जैसे वीडियो बना रही हो ऐसे ऐसे कैमरा रखना है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कटेगा तो नहीं कर कटेगा नहीं। अगर 0.5 में रखे हो ना एक्स में, हाँ, तो नहीं कटेगा। अच्छा। और वैसे 1x में थोड़ा कटता है हल्का बुल्का, वैसे तो काफी हद तक अच्छा आता है। हाँ। समझ गए ना, तो ऐसे करना है, ऐसे। देखो ध्यान से जरा पकड़ के दिखाओ कैसे पकड़ोगे, ऐसे। हाँ, ऐसे पकड़ो। और अगर आगे का दिखाना हो तो? आगे का भी बताते हैं, आगे वाला भी, परेशान मत होइए, पहले अभी इस तरह बोलना है, बोलिए हेलो। ये देखिए हम लोग तालाब के सामने खड़े हैं। हाँ, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। देखो जैसे जैसे मान लीजिए हमको अपने पीछे का या अपने आप को दिखाना है। हाँ। तो ऐसे करके कैमरा बोलेंगे, तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे, तो इस तरीके से बोलना है। कई बार बोलने में गलतियां होंगी तो कोई हाँ। बात नहीं, दोबारा फिर से स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने शुरू में बोला गलती हुई ना, हाँ। तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर देंगे बोलना, ठीक है। अब जब आपको अपने सामने दिखाना है, ठीक है, तो इस हाथ को ही ऐसे हाथ को घुमा देना है तो सामने का आ जाएगा। थोड़ा मैं भी देखूं जरा। हाँ, एक मिनट बता, पहले देख लो। अच्छा, लपर लपर तो तबाही तुम नहीं सीख पाती कौन चीज, ठीक है। लपर लपर ना, पहले सीखो कैमरा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से पकड़े है ना। हाँ। और इसी को हाथ को बस आपको ऐसे घुमा देना है, और जो भी सामने है सब कुछ आपके सामने जितना कुछ है वो सब कुछ आ जाएगा, समझ। ऐसे देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये सामने से आ रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके सारी चीजें घुमानी है, ठीक है। चलिए अब जो है, चलिए जरा दिखाइए करके कैसे आप करेंगी, दिखाइए ऐसे करके रहेगा, बोल के बताओ। अच्छा, अच्छे से कि यहाँ पर हो कैसे कैसे। हेलो दोस्तों, अब देखिए हम लोग यहाँ पर, अरे हम हो का तो ले आओ। यहाँ पर आए हम लोग, एक तालाब भी है। हाँ। देखिए बहुत अच्छा नजारा है, और ऐसे करके ऐसे। देखो देखो कैसे कर रही हो भैया, ये गलत चीज। देखो ऐसे और उसके बाद ऐसे, देखो ऐसे हाथ को घुमाना है। देखो ध्यान से मैं कैसे घुमा रहा हूँ, और ये नहीं कि तान कर रहे हो ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे दिखना चाहिए ना घुमा करके। अब पकड़ो जरा ध्यान से, सही से पकड़ो। हाँ, ऐसे और ये, बहुत बढ़िया। इस तरीके सामने दिखाना है, ठीक है। अब चलो बना के दिखाओ थोड़ा सा, कैसे बनाओगी, बनाओ सही, शुरू से बनाओ, ठीक है। अरे ओके ओके ना करो, ओके बिल्कुल, ओके बिल्कुल सही से बनाओ। हाँ, चालू कह दो, तुम वीडियो चालू कह दो, ठीक। अरे यतान मत, तुम ना आई हो, तुम्हारा जहूर ना आवा, यही दिक्कत होती है दोस्तों, पता है, समझाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। फिर से एक बार देखो ध्यान से, ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको पीछे का तालाब दिखाना चाहता हूं, तो चलिए तालाब पीछे का बाद में दिखाएंगे, पहले अपनी बाइक दिखाते हैं। देखिए बाइक सामने है,
तो इस तरीके से घुमा करके सीधे आ जाएगा मामला, ठीक है। चलो अब चालू करो भैया। हाँ तो मैं बताती हूँ, हेलो दोस्तों, बस इतना बोल के मैं आगे का दिखा रही हूँ। हाँ आगे का दिखाओ। अरे ये देखिए, ये हाँ बिल्कुल सही, इस तरीके से देखिए, बिल्कुल हरी भरी खेत है। हाँ और ये वीडियो शूट कर रहा है इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसी तरीके से कैमरा पकड़ना है, पहले ऐसे अपने आप को दिखाएंगे और घुमाना होगा जब, तो ऐसे आप घुमा देंगे कैमरा, समझ गए ना। तो इसी तरीके से व्लॉग को आपको शुरू करना है, इससे क्या होगा, बिना वीडियो को रोके पहले आप अपने आप को दिखाएंगे। एक मिनट कैमरा बंद हो गया है। पहले आप अपने आप को दिखाएंगे, उसके बाद जब आपको सामने दिखाना होगा तो आप सामने दिखा देंगे। बात समझ गए ना। तो ये ब्लॉगिंग का परफेक्ट तरीका होता है बनाने का, समझ गई ना। अब हाँ। गलती तो नहीं करोगी? नहीं। अब बारी आती है दोस्तों कि ब्लॉगिंग के जो थंबनेल होते हैं, थंबनेल वो कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्लॉगिंग के वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थंबनेल होता है और ये कोई नहीं सिखाता। तो देखो थंबनेल में ना सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, रिएक्शन। आपने देखे होंगे सौरभ जोशी हो, बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर हैं वो लोग अपने थंबनेल में रिएक्शन देते हैं। अब रिएक्शन कैसे देते पता है, ऐसे मतलब ये शॉकिंग का रिएक्शन, इस टाइप से। और पास आ जाइए, और पास आइए। हाँ ऐसे रिएक्शन देना है दोस्तों अपने ब्लॉगिंग के जो भी थंबनेल से, ये शॉकिंग है और हैप्पीनेस में है ना। और इस तरीके से इसको पकड़िए और बताते हैं, शॉकिंग रिएक्शन देने हैं इस टाइप से, मतलब बिल्कुल शॉक, बिल्कुल मतलब हैप्पी है, मतलब जो भी आप थंबनेल क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, जिसमें रियल हैप्पीनेस देखनी चाहिए। जैसे ये, हाँ जैसे कि मैं भी कर सकती हूँ, ये करो, जरा करके दिखाओ, अगर दिखाना है तो कुछ। हाँ ये शॉकिंग, लेकिन अब ये नहीं कि हर जगह शॉकिंग करना है, डिपेंड करता है कि कैसा आपने ब्लॉग बनाया। अब दुख का ब्लॉग है तो बिल्कुल शांत ऐसे खड़े हो जाना है, तो मतलब अगर दुख में है तो ऐसे देखो, हंसने की बात नहीं है, यही सब चीजें हैं जिस वजह से लोग ब्लॉगर नहीं बन पाते। सही, पहली चीज वीडियो पता होना चाहिए कैसे बनता है, उसके बाद थंबनेल कैसे बनता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, बात समझ गई। तो चलिए दोस्तों अब आपको सिखाते हैं कैसे आपको थंबनेल एडिट करना है, ठीक है। आइए दिखाते हैं इधर मोबाइल में। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास में पिक्सल लैब ऐप है, ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों यही है पिक्सल लैब, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंसिल का ऑप्शन आएगा, कैंसिल दबा करके ये जो आपको हिल रहा है ना इसको टच करके पहले यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर जाना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे व्लॉगिंग थंबनेल एडिट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहां पर दोस्तों इमेज साइज पे क्लिक कर देना है, कस्टम में क्लिक करना है और इसके बाद देखिए यहां पर यूट्यूब थंबनेल लिखा है ना, यहां पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद यहां पर ओके कर देना है, ठीक है। ओके हो गया। अब ये जो कस्टम आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल यूट्यूब का जितना बड़ा थंबनेल होता है उतना ही बड़ा ये आपको साइज दिख रहा है। अब आपका वीडियो इतने में ही मतलब आपका थंबनेल बनके तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ये यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी आपने फोटो क्लिक करके रखी है उस फोटो को मतलब कि यहां पर टच कर दे। जैसे मुझे इस वाले फोटो को थंबनेल बनाना है तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए टिक का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा खिसका देंगे पकड़ करके, तो देखिए कितना प्यारा ये थंबनेल आपको बना हुआ दिख रहा है, कितनी प्यारी फोटो आई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चाहे तो उसको और जूम भी कर सकते हैं, यहीं से खींच कर मैं आपको दिखा दे, इससे खींच देंगे तो और जूम हो जाएगी फोटो। ये देखिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना करने के बाद इसको लॉक कर देना है, वरना आपका जो थंबनेल की फोटो है ना दोस्तों वो बार बार हिलेगी डुलेगी तो आपको थंबनेल एडिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इधर आइए दिखाइए, इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है ऐड करने हैं। एक बात ध्यान रखिए कि दोस्तों व्लॉगिंग के जो भी थंबनेल होते हैं वहां पर ज्यादा टेक्स्ट का मामला नहीं होता, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना होता, बहुत ही छोटी से छोटी बात लिखनी होती है, बहुत ही कम शब्दों में और बिल्कुल क्लिक बेट बात। ये नहीं कि बड़ी सी बात आप लिख दो, बिल्कुल क्लिक बेट बात। आइए दिखाइए, मैं बताता हूँ कैसे क्लिक बेट बात लिखी जाती है। यहां पर जाएंगे ये ए वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए कुछ बन के ऐसा आ गया। ये देखिए इस पर दो बार टैप कर देंगे, टैप करने के बाद थोड़ा इसको एडिट कर देंगे, यहां पर लिख देंगे मेरा खास मेहमान, मेरा खास मेहमान, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
इतना करने के बाद मैं यहाँ ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ा समय फॉन्ट बदलने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट आ जाएंगे, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्लिक बेट बात है, मेरा खास मेहमान। जब भी किसी के पास में ये थंबनेल रिकमेंड होगा तो लोग सोचेंगे आखिर ये खास मेहमान कौन है, कैसा है, बात समझ रहे ना। तो मतलब क्लिक बेट यहाँ पर मैंने बात लिख दी है। इसी तरीके से आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हर चीज ना मुंह से बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें दिमाग से सोची भी जाती है, बात समझ गए ना। तो चीज आपको सोचनी है, ठीक है। अब इसका आपको कलर करना है, हमेशा ध्यान रखिए कलर आपको ऐसा करना है जो हाईलाइट कलर हो। जैसे कि यहाँ पर सफेद है ना, तो सफेद में अगर आपको कोई दूसरा कलर करना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर आ गए, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कलर को चूज कर लिया, या आप चाहें तो कोई और भी कलर, यहाँ प्लस के आइकन पर जा करके कोई भी कलर यहाँ टच कर देंगे ना, वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कलर चूज करे, मुझे कलर ये वाला चूज करना है क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइटेड है, लेकिन अभी भी हाईलाइट इतना हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बदलना है। तो बैकग्राउंड के लिए मुझे यहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर इनेबल में क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक मैंने दबा दिया। इसके नीचे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर इनेबल में जैसे ही दबा देंगे, अब देखिए ये इसके ऊपर देखिए जो है ना ब्लर रेडियस, इसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर देंगे, तो अब देखिए इसमें क्लिक कर देंगे तो अब देखिए वही जो शब्द लिखा हुआ था कितना ज़्यादा बिल्कुल चटक सामने लिख करके आ रहा है ना, मेरा खास मेहमान। तो मतलब आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है, चटक शब्दों को लिखना है, चटक कलर का प्रयोग करना, जैसे हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया, ये सब चटक कलर हैं। इससे क्या होगा कि जब भी किसी के पास में मतलब थंबनेल जाएगा, वीडियो का थंबनेल जाएगा, तो वो तुरंत उसको क्लिक कर सकता है, क्योंकि ऐसे थंबनेल क्लिकेबल होते हैं, बात समझ गए। अब इधर आइए, अब इतना करने के बाद अब सेव करने की बारी आती है थंबनेल, तो आपको यहाँ पर जाना है, ये जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कस्टम में क्लिक करना है और यहाँ पर अल्ट्रा में क्लिक कर देना है और सेव गैलरी में क्लिक कर देना है। कुछ ही से देखिए जो थंबनेल था वो सेव हो गया है। तो इस तरीके से आप थंबनेल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों सिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है, जो भी आपने व्लॉग वीडियो बनाया है उसको कैसे एडिट करना है, एडिट करना सिखाता हूँ। आइए, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है VN ऐप। ये बहुत ही अच्छी ऐप है दोस्तों, इस समय जितने भी ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स है वो सभी इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। मैं खुद अपनी वीडियो एडिट करने के लिए इसी मतलब की एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो एडिट करना है। इसके लिए दोस्तों जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे, यहाँ प्लस का आइकन आएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कैची जैसा बन के आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपने वीडियो मतलब की बनाई होगी, जैसे यहाँ पर देखिए ये वीडियो बनाई हुई दिख रही है आपको, तो इसी वीडियो पर ऊपर साइड क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा। अब देखिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा, देखिए अभी शुरुआत में ना जब आप वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर का फालतू का पार्ट रहता है, उसको हमको हटाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए मैंने वीडियो तो का, देखिए वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हेलो दोस्तों कैसे, देखिए यहाँ से तो थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से एक मिनट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद ये जो कैंची का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों ये जो पहले वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना, क्योंकि ये वो पार्ट है जो वेस्ट है, जिसको आपको अपने वीडियो पर लेना ही नहीं है, बात समझ गए, क्योंकि वेस्ट है। जब आपने वीडियो बनाने की शुरुआत की तब इस पार्ट को मतलब शूट हो गया था धोखे से, तो इसको आपको हटाना है। तो दिखाइए जरा, दिखाइए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं गांव, और गांव में दोस्तों व्लॉग बना रहे हैं, आप लोग सामने का नजारा देख सकते हैं, कितना बढ़िया बना है, कितना प्यारा सामने का नजारा है, और ये हमारा बेटा है और ये हमारी पत्नी है, और तालाब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर तालाब लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने गाँव में आकर के एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक तो वीडियो ठीक था, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों, और इसके बाद का जो पार्ट है वो धोखे से ज्यादा सूट हो गया है, ठीक है, इसलिए मैं शांत हूँ, तो उसको भी मुझको डिलीट करना है। मजा आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद मुझे कैची चलाना है, कैची चलाने के बाद जो आगे का पार्ट है उसमें क्लिक कर देना है और डिलीट के ऑप्शन पर डिलीट कर देना है। अब देखिए ये वीडियो आगे का खत्म हो गया है, मजा आ रहा है दोस्तों,
ये देखिए खत्म हो गया ना। तो देखिए इस तरीके से आपने वीडियो एडिट कर लिया, एडिट कर जो भी आपका वेस्ट पार्ट है उसको इस तरीके से कट कर करके अपने वीडियो से हटा दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैनुअल पे जाना है, याद रखना मैनुअल पे जाना, और यहाँ पर 180p रखना और कोशिश करना इसको 60p करने की, ठीक है। ये देखिए 60fps अगर रखोगे तो वीडियो की स्मूथनेस बहुत ही प्यारी होगी, जैसे कि आपने बड़े बड़े व्लॉगर की वीडियो देखी होगी, बिल्कुल स्मूथ वीडियो चलती है, ऐसा लगता है जब मक्खन चल रहा है ना। तो उस तरीके से अगर आप अपनी वीडियो करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो FPS है उस पर 60 पे रखना है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो धीरे से सेव हो जाएगी। देखिए सेव होना चालू कर दी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने व्लॉग वीडियो बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, और भैया अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। बात समझ गए? तो ये बताओ सीख गई कैसे बनाना है? हाँ सीख गई। इसी तरह करना, ठीक है? ठीक है। मतलब इसी तरह तुमको वीडियो बनाना है, हाँ? थंबनेल इसी तरह खींचना है, थंबनेल इसी तरह एडिट करना है, और वीडियो इसी तरह एडिट करना है, ठीक? समझ गए? हाँ। बिल्कुल ऐसे कर लोगी? हाँ। अब बताओ पहला वीडियो कब आएगा? आएगा बहुत जल्द। आप लोग बताइए कमेंट करके आपका पहला व्लॉग वीडियो कब आएगा। मैं इस बात का इंतजार करूंगा, आपके सभी के कमेंट पढ़ूंगा कि आप लोग क्या कमेंट करते हो। देखो देर मत करो, जो करना है आज से चालू कर दो, कल कभी नहीं आता। जो करना है, इतिहास रचना है, कुछ भी करना है, आज अभी से चालू करो, ठीक है। तुरंत चैनल बनाओ, और अगर नहीं पता चैनल कैसे बनाए जाते हैं, डालिए यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाए, सीखिए कैसे चैनल बनाए जाते हैं, है ना। और भैया चैनल बना करके व्लॉगिंग चालू कर दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ भाई, अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आपको, भैया यूट्यूब पे ग्रोथ चाहिए, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।